सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी जी, CWC के मेंबरान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती, आपसे दो शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि यह चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए, जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। ये आवाज आप यहां से उठाइए, आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है, और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है, इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आज़ादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है, हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं, जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है, और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़े और इकट्ठे आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा यहाँ स्वागत किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले।